हमास की मिलिट्री विंग अलकसम ब्रिगेड इजरायली सेना के गले की वो फांस बनी हुई है जो ना तो निकल पा रही है और ना ही निकली जा रही है। लड़ाकों की फौज लगातार इजरायली सेना पर घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रही है। एक बार फिर ब्रिगेड के लड़ाके उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूटे हैं। समूह ने बताया कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना के वाहन को उड़ाया गया है, इससे उसके परखच्चे उड़ गए। लड़ाकों ने शवाज विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल कर बड़ी चोट पहुंचाई। इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली जवानों की जान चली गई। ब्रिगेड ने यासीन 105 और टैंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के साथ दो इजरायली कार्मिक वाहकों पर हमला बोला। साथ ही पूर्वी जवालिया में एक इजरायली D9 बुलडोजर को विस्फोटक उपकरण से निशाना बनाया गया। इसके अलावा अलकसाम स्नाइपर्स ने अल रजान इलाके में एक गॉल राइफल से एक इजरायली सैनिक को मार गिराया। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि उसके लड़ाकों ने जबालिया के पूर्व में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पास एक इजरायली सैनिक को भी निशाना बनाया। इसी इलाके में लड़ाकों ने RPG के साथ एक इजरायली D9 बुलडोजर को भी निशाना बनाया। कसासिब में मोर्टार राउंड के साथ इजरायली बलों और वाहनों पर गोलीबारी की गई। अलकुद्स ब्रिगेड ने पूर्वोत्तर जबालिया में एक इजरायली सैन्य वाहन के खिलाफ झाकिब विस्फोटक से तगड़ा ब्लास्ट भी किया। एक अलग ऑपरेशन में लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में बेत लाहिया स्ट्रीट पर पहले से लगाए गए झाकिब विस्फोटकों से एक और इजरायली वाहन को निशाना बनाया। इस दौरान इजरायली सैनिकों के साथ तीखी झड़पें भी हुईं। अलकुद्स के लड़ाकों ने निडजरिन जंक्शन के पास एक इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर पर 107 मिलीमीटर रॉकेट भी दागा। मुजाहिदीन ब्रिगेड ने जबालिया में पूर्व में इजरायली सेना पर कई राउंड फायरिंग कर उन्हें पीछे की ओर खदेड़ा। गाजा में हमास के लड़ाकों के साथ जारी संग्राम में इजरायली बलों ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में एक अधिकारी और दो सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। IDF ने कहा कि इन हताहतों में 196 बटालियन के टैंक कमांडरों के कैप्टन और प्लाटून लीडर के साथ उसी यूनिट के दो सर्जेंट भी शामिल हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने माना है कि हमास की रणनीति उन्हें हराना मुश्किल भरा बनाती है। अलकसाम ब्रिगेड में अभी भी इजरायली सेना को एक अजय युद्ध में उलझाने की ताकत है। इसराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के साथ साथ गाजा के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया, मगर समूह के छोटे पैमाने पर हिट एंड रन की रणनीति अभी भी उत्तरी हिस्से में खतरा पैदा करती है। गाजा में हमास के बढ़ते हमलों पर इसराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने माना कि लड़ाके इमारतों में विस्फोटक लगाने, सड़क के किनारे बम रखने, इजरायली बख्तरबंद वाहनों में माइन लगाने या अंडरग्राउंड होने से पहले इजरायली सेना पर रॉकेटों से चलने वाले ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए छोटी इकाइयों में दिखाई देते हैं, जिनको काबू में लाने में इजरायली सेना को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो खंडहर पर बड़ी इमारतों से इजरायली सेना पर हाथ धो रहे हैं। यही वजह है कि बीते दिनों हमास लड़ाकों ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक और बड़ा घात लगाकर हमला किया।